उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी उसके बाद कई सवाल भी उठे, क्योंकि दो बच्चों के झगड़ों ने किस तरह से अलग ही रूप लिया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग समाजों के संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके कांटेक्ट में हैं, उनको इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, जिसने गुनाह किया है उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन लोग जो है वो कानून को हाथ में ना लें, पुलिस और प्रशासन पर, सरकार पर अपना विश्वास जमाए रखें, और इसके कर सरकार और प्रशासन जो है वो अलर्ट भी है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया जाएगा जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल रवि, लगातार कहा जा रहा है कि कानून पर आप भरोसा करें क्योंकि कानून अपना कार्य कर रहा है। लेकिन रवि देखिए, यहाँ पर संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है, पुलिस का जाब्ता तैनात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना जाब्ता यहाँ पर तैनात होगा, अगर जानकारी लेना चाहें आपसे तो। बिल्कुल देखिए इंदु, चूंकि ये जो पूरा मामला है इसको कहीं ना कहीं कम्युनल जो रंग है वो दिया गया, और ऐसे में जो भी ऐसे इलाके हैं जो हाईली सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर किसी भी तरह के सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने की परिस्थितियां हैं, आपसी वैमनस्य बढ़ने की परिस्थितियां हैं, वहां पर अतिरिक्त जाब्ते की तैनाती की गई है। उदयपुर शहर के अलावा, उदयपुर जिले के अलावा जो पड़ोसी जिले हैं जिनमें राजसमंद है, चित्तौड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वहां से भी अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस ने करीब 7 कंपनियां जो है वो जयपुर से यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजबूत करने के लिए जयपुर से भेजी गई हैं, और सीनियर ऑफिशियल जो है वो यहां पर आए हैं। उदयपुर के अलावा जो पास के जो जिले हैं उनके एसपीज जो है, राजसमंद के एसपीज और चित्तौड़ के एसपी सुधीर जोशी जो है वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। और देखिए इंदु, दरअसल इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जिला पुलिस और प्रशासन की कोशिश होती है कि ऐसे तमाम जो अधिकारी जो कि इन इलाकों में पहले पदस्थ रह चुके हैं, पहले डेप्यूट रहे हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है ताकि उनके जो कॉन्टेक्ट हैं, उनकी जो जो काम करने की वर्किंग शैली है उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। तो यही वजह है कि कई सारे जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उदयपुर में बतौर पुलिस अधीक्षक सेवाएं दे चुके हैं, बतौर एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, सीआई रह चुके हैं, उन सभी को यहां पर बुलाया गया जो आसपास के जिलों में पदस्थ हैं। और एसीबी के जो डीआईजी हैं राजेंद्र गोयल, उनको चूंकि एसीबी में है लेकिन उनको भी यहां पर कहा गया है कि वो भी इस सिचुएशन में अपनी सहभागिता निभाए, और वो कल देर शाम को ही यहाँ अपनी फील्ड में आ गए थे। उन्होंने काफी हद तक जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है, जो भी संबंधित पक्ष है उससे बातचीत की, और इसके अलावा आम लोगों को भी समझाइश का प्रयास किया है। तो सभी लोग, उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा जो है वो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, खुद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर सबकी अब एक ही कोशिश है और वो ये कि अमन की बहाली हो। जी बिल्कुल रवि, लेक सिटी के अंदर शांति की बहाली हो, यही कोशिश यहाँ पर। बहुत शुक्रिया रवि, आपने पूरी खबर पर अपडेट दिया कि किस तरह से देखिए हालातों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए पुलिस का जाब्ता तैनात है। उसके अलावा आपको जानकारी दी थी जो आरोपी पक्ष है उनका जो घर है वो वन विभाग की जमीन पर है, ऐसी भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो जानकारी मिल रही है कि वहां पर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। हालांकि शांति बहाल यहाँ पर कर दी गई है, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है, और इस संवेदनशील इलाके में देखिए पुलिस का जाब्ता तैनात है। और अगर इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा यहां पर बाधित रहेगी। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी है, उदयपुर शहर में सामान्य हालत फिलहाल है, लोग भी अब बाहर निकलने लगे हैं जरूरी सामान की खरीदारी के लिए, बाजार में लोगों की लोग जो है वो देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस बात। तो देखिए पूरा मामला उदयपुर का है, और जिस तरह से छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई, जिस तरह छात्र पर चाकू से हमला किया गया, उसके बाद पूरे उदयपुर के अंदर कई जगहों से चिंताजनक तस्वीर सामने आई, विवाद की खबरें सामने आई, और हालात को देखते हुए जो कि चिंताजनक हो गए थे उन हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई उदयपुर के अंदर। लेकिन राहत की बात यह है कि अब यहाँ पर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर स्कूल्स में आज छुट्टी की गई है, और आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर बंद है।